जय हिंद साथियों। यूपीएससी के बाद अगर किसी जॉब में तगड़ा रुतबा और तगड़ा पेमेंट है तो है आप लोग का भैया इकलौता एसएससी सीजीएल। बता दे साथियों, जिस एसएससी सीजीएल की हम अभी आप लोग को बात कर रहे हैं वो एसएससी के अंतर्गत में आप लोग की जॉब निकाली जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट देखने को मिलती है। इसमें आप लोग को टोटल वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलती है साथियों। टोटल 34 प्रकार के आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेंगी। सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट पे आप लोग का जॉब लगता है। धूप में कहीं जाकर के भैया मरना नहीं है, एकदम ऑफिशियल जॉब रहता है भैया। ऑफिस की तरह साहेब बन करके वर्क करिएगा। तो आइए इस वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल निकाला गया था एसएससी के द्वारा। 24 जून को ये आप लोग का नोटिफिकेशन साथियों निकाला गया था कल के डेट में, और आज है साथियों आप लोग का 25 तारीख यानी कि 25 जून को हम आप लोग को नोटिफिकेशन बतला रहे हैं। क्यों एक दिन डिले करके बतलाते हैं तो देखिए, थोड़ा सा हम कोई भी वैकेंसी आता है ना उस पर थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, उसकी थोड़ी अंदर जो की जो भी क्राइटेरिया रहते हैं सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं साथियों। इससे क्या होता है कि आप लोग के मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसमें देखेंगे बहुत सारी जो है चीजें क्या क्या इसमें रखी गई है। सबसे पहले ये जान जाइए कि इसमें जो पोस्ट की संख्या है यानी कि सीटों की संख्या 17,727 आप लोगों की सीटों की संख्या रखी गई है दोस्त। और उसके साथ साथ एज आप लोग का 18 से 32 रहता है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट भी देगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट भी इसमें देगा साथियों। सारी चीजें इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा यानी कि आप लोग का चयन किस प्रकार से होगा साथियों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे एक निवेदन करेंगे, भाई एक बार प्लीज आप लोग सभी भाई लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। जितने भी हमारे भाई वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है साथियों। थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखला दे, उसके बाद आप लोगों को सभी अलग प्रकार से जो है हम छाट छाट करके मेन मेन पॉइंट आप लोगों के लिए दिखलाने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए। देखिए ये नोटिफिकेशन जो है आप लोग का कब आया हुआ है, 24/6/2024 को यानी कि कल आया हुआ था साथियों, और आज 25 तारीख को हम आप लोग को ये नोटिफिकेशन दिखला रहे हैं। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डेट जो है फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बात कर ले, डेट ऑफ फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 24/6/2024 से आप लोग का ये फॉर्म कल से यानी कि फॉर्म इसका अप्लाई हो रहा है, और 24/7/2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा साथियों, यानी कि पूरे एक मंथ का आप लोगों को टाइम जो है यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों। इसे ध्यान रखिएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वही हम लोग अगर बात कर ले तो देखिए यहाँ पर 24/7/2024 को लास्ट डेट दिया गया है, लास्ट टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है रात के 11 बजे तक साथियों फॉर्म अप्लाई होगा, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो पेमेंट के लिए आप लोग का एक दिन और बढ़ा दिया गया है। पेमेंट आप लोग का 25 तारीख तक जो है क्लियर कर सकते हैं अगर आप लोग का पेमेंट 24 तारीख को रुक जाता है तो। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर साथियों आप लोग का दिया गया है करेक्शन डेट। तो देखिए करेक्शन आप लोग कब कर सकते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्म को अप्लाई करने में कुछ गलती हो गया तो क्या करिएगा दोस्त, करेक्शन आप लोग के लिए इसके लिए टाइम दिया गया है 10 और 11 अगस्त को। 10 अगस्त और 11 अगस्त साथियों सभी चीजों को अच्छे से समझते चलिएगा तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 10 और 11 अगस्त को जो है आप लोगों का यहां पर करेक्शन डेट रखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो टायर 1 की जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में होंगी, ठीक। इसी प्रकार से साथियों बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की मेंशन की गई है, जैसे हम बोले हैं ना कि 34 प्रकार के इसमें आप लोग जो है पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है साथियों, ये आप लोग का डिपार्टमेंट दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग को जॉब लगते हैं। जैसे देखिए ये जो जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लगेगा असिस्टेंट ऑफिसर का। उसके बाद अगर दूसरा किसी कोई देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप लोग की जॉब लगे। डिपार्टमेंट सभी का अलग अलग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत में जॉब लगता है साथियों, इसे ध्यान रखिए। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत में ये आप लोग का जो है साथियों जॉब देखने को मिलेंगे, ठीक है। एज लिमिट सभी के लिए अलग अलग है मगर हम सब आप लोग को बता देंगे। यहाँ पर जो है देखिए 20 से 30 किसी में दिया है, किसी में 18 से 30 है। इसी प्रकार टोटल अगर हम लोग सबसे पहले पोस्ट की संख्या की बात कर ले तो देखिए 34 आप लोग की टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है साथियों, इसे ध्यान में रखिएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत में जॉब है। ये तो हो गया साथियों आप लोगों का नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन और बहुत ज्यादा लंबा है। अगर हम लोग टोटल पेज की बात कर ले तो 109 पेजों में आप लोग का शायद जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, हमें जहां तक ध्यान है 109 पेजों में आप लोग का ये टोटल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अब ये तो हो गया साथियों नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को हम लोग एक साइड में रखते हैं और सबसे पहले इसमें आप लोग का क्या क्या क्राइटेरिया, किस प्रकार से आप लोग को जो है सिलेक्शन वगैरह लेना होगा इसको समझिए। देखिए
आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए साथियों ये तो हम आप लोग को बता दिया अप्लाई डेट वगैरह। देखिए अब यहाँ पर पेमेंट क्या लगेंगे, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स जो है अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों के लिए काट करके रख दिए हैं साथियों, नोटिफिकेशन में से छाट छाट करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें आप लोग का फी क्या लगेगा। तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए आप लोग के लगेंगे साथियों, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 0 रुपए यानी कि इनको लिए 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, और पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन कटेगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। ये हो गया आप लोग का फी, डिपार्टमेंट वगैरह सारा चीज ये तो बतला ही दिए। अब यहाँ पर बात कर ले हम लोग एज लिमिट, जैसे हम आप लोग को बोले हैं कि सभी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया, टोटल कितने प्रकार के, तो 34 प्रकार के आप लोग को जो है यहाँ पर जॉब देखने को मिल रहा है, 34 आप लोग के अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया भी अलग अलग रखा गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम तो आप लोग का 18 साल यहाँ पर एज दे दिया है साथियों, मिनिमम आप लोग का 18 साल एज दे दिया है। उसके साथ अगर हम लोग मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोग की मैक्सिमम एज किसी में 27, किसी में 30, किसी में 32 आप लोग का भी एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक तरह से अगर हम लोग कहें तो 18 से आप लोग के 32 एज क्राइटेरिया रखी गई है। इसी में ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए दोस्त 3 साल का जो है टाइम अलग से छूट दिया जा रहा है, एंड एससी एसटी की अगर हम लोग बात कर ले एससी एसटी की तो इनके लिए जो है 5 साल का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हो गया आप लोग का एज क्राइटेरिया हम बतला दिए, पेमेंट बतला दिए, पोस्ट भी आप लोग को दिखला दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए एक शॉर्ट फॉर्म में क्वालिफिकेशन किस प्रकार से आप लोग का लगने वाला है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पोस्ट का नेम दिया गया है, ये 2 पोस्ट का आप लोग का यहाँ पर नाम दिया गया है, उसके बाद ऑल अदर पोस्ट यानी कि ये जैसे अगर बात कर ले पोस्ट की तो देखिए इसमें 2 पोस्ट है, पहला नंबर असिस्टेंट एडीओ ऑफिसर की एंड उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि इसमें 2 पोस्ट के लिए क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो 2 पोस्ट के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन प्लस सीए प्लस सीएस प्लस एमबीए आप लोगों की यहां पर रखी गई है। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं तो जूनियर ऑफिसर के लिए देखिए जेएसओ के लिए भैया अगर हम लोग बात कर ले जेएसओ की पोस्ट के लिए तो इसके लिए आप लोग का ग्रेजुएशन विथ 12 में 60% आप लोग का होना चाहिए साथियों, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके बाद 60% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर मैथ में 12 में ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन विथ स्टैटिक्स, तो इसको तो हटा दिए इससे कोई मतलब नहीं ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का जूनियर ऑफिसर का क्वालिफिकेशन, ये हो गया एक पोस्ट। उसके बाद साथियों टोटल बताया है कितना पोस्ट आप लोग को कि 34 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, 34 में से 3 पोस्ट हम लोग छाट दिए तो टोटल यहां पर कितना बच गया दोस्त 31 पोस्ट। तो देखिए आप लोग को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्त, 31 पोस्ट के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आप लोग बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, बीसीए किए हैं, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। कितने पोस्ट के लिए तो टोटल 31 पोस्ट के लिए आप लोग का सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें लग रहा है। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम में आप लोग जाकर के नोटिफिकेशन लेकर के खुद से थोड़ा सा साथियों उसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। और अगर आप लोग के मन में कुछ और भी डाउट्स रहते हैं तो आप लोग हमारे पास जो है कॉमेंट जरूर करिएगा, कॉमेंट का हम रिप्लाई जरूर से जरूर आप लोग को देंगे। ये आप लोग क्वालिफिकेशन वगैरह सारा चीज समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, यानी कि सिलेक्शन चयन प्रक्रिया जो है आप लोगों की यहाँ पर क्या रहने वाली है साथियों, इसको हम लोग देखने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले आप लोग का टायर 1 का एग्जाम होगा, यानी कि पहला एग्जाम होगा क्या होगा भैया सीबीटी तौर पर होगा भैया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम ये लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम सबसे पहले टायर 1 का होगा, उसके बाद टायर 2 का एग्जाम होगा। ठीक है साथियों इसमें आप लोग को फिजिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ टायर 1 का एग्जाम, उसके बाद टायर 2 का एग्जाम, उसके बाद भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, भैया जॉब लीजिए और मजे करिए। सबसे मस्त जॉब है भैया यूपीएससी के बाद कोई टक्कर दे सकता है तो वो इकलौता है भैया आप लोग का क्या है वो है सीजीएल, ध्यान रखिएगा सीजीएल। ठीक है तो चलिए सेकंड नंबर के ऊपर क्या होगा भैया, तो इसके लिए टायर 2 आप लोग का एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम ये भी होगा, सीबीटी के तौर पर एग्जाम होगा एंड टेस्ट भी आप लोग का होगा साथियों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, भैया उसके बाद जॉब ले लीजिए भैया, तगड़ा जॉब है और आप लोगों की लाइफ को यहाँ पर सेट कर देगा साथियों, कुछ इस प्रकार का ये आप लोग का जॉब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सीबीटी एग्जाम में आप लोगों की सिलेबस क्या रहेगी उसको साथियों थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ये जो है आप लोग का टायर 1 का एग्जामिनेशन को लेकर के सिलेबस यहाँ पर हम छाटे हुए हैं तो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। तो देखिए साथियों सबसे पहले क्या रहेगा आप लोग का सिलेबस में, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के रहेंगे साथियों, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के, ये भी आप लोग का एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा साथियों, ध्यान रखें ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए भैया 25 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर रखे गए हैं और 50 मिनट का इसके लिए भी आप लोग को टाइम दिया जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी आप लोग का 2 नंबर का रहने वाला है साथियों। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात कर ले तो भैया 25 क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश से यहाँ पर रहने वाला है, उसके लिए भी 50 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का रहेगा साथियों।
टोटल अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप लोग का यहाँ पर 200 नंबर की 200 मार्क्स की आप लोग की एग्जाम होंगी साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की संख्या आप लोगों की यहाँ पर 100 रहने वाली है, 100 यहाँ पर आप लोग की क्वेश्चन की संख्या रहेगी, 200 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। टाइम कितना मिलेगा तो आप लोग टाइम पढ़ सकते हैं, 1 आवर 20 मिनट आप लोग को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा साथियों। उसके साथ साथ अगर हम लोग निगेटिव मार्किंग की भी बात कर ले तो निगेटिव भी आप लोग का यहाँ पर रहेगा, 1/1 यहाँ पर देखिए भैया 0.50 का यानी कि 1/4 का आप लोग का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगा साथियों, ठीक है। 1/4 का आप लोग का इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है यानी कि 0.50 का निगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। टायर वन का ये हो गया आप लोग का साथियों सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आता है हम लोग का टायर टू का तो देखिए दोस्त आप लोग का टायर टू में क्या रहेगा क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यही आप लोग का लास्ट प्रोसेस रहता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर भैया तगड़ा जॉब, और भैया रुतबा इतना अच्छा है ना कि कहीं बोलिएगा ना कि सीजीएल का जॉब है भैया, क्या ही बोले उनका भैया चेहरा डाउन हो जाएगा जो आप लोग के दुश्मन रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए तो टायर टू में आप लोग का जो पेपर होगा देखिए उसको, पेपर वन जो होगा टायर टू में, तो टायर टू के पेपर को जो है ना साथियों आप लोगों का यहाँ पर दो सेशन में बांटा गया है। देखिए सेशन वन में बांटा गया है और एक यह है यहाँ पर सेशन टू। अब आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि यहाँ पर फिर पेपर टू क्यों लिखा गया है, तो ये जो पेपर टू है ना ये सिर्फ जेएसओ के पोस्ट के लिए है साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ जेएसओ के पोस्ट के लिए ये आप लोग का पेपर टू यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं सिर्फ आप लोगों को दो ही एग्जाम देना है, टायर टू देना है, उसके बाद टायर वन देना है, उसके बाद आ जाना है टायर टू में। तो टायर टू में आप लोग का जो पेपर होगा, टायर टू के पेपर में आप लोग का दो सेशन में बांट दिया गया है टायर टू के पेपर को, सेशन वन और फिर सेशन टू। तो देखिए सेशन वन के लिए सबसे पहले आप लोग का दो घंटे पंद्रह मिनट का जो है आप लोग का टाइम दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा टायर टू के सेशन वन के एग्जाम के लिए। इसमें आप लोग का क्वेश्चन क्या पूछेगा तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन पूछने वाला साथियों सेशन वन में मैथ से क्वेश्चन पूछेगा और फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, मैथ और रीजनिंग दोनों से 30-30 क्वेश्चन यहां पर पूछेगा साथियों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कितने नंबर की, तो यहां पर 180 नंबर की, यानी कि देखिए आप लोग को टाइम दिया जा रहा है 2 घंटा 15 मिनट और 60 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कितने नंबर का एग्जाम होगा तो 180 मार्क्स का आप लोग का यहां पर एग्जाम होने वाला है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का क्या बोलते हैं सेशन वन। उसके बाद आता है आप लोग का सेशन टू, ठीक है। तो देखिए सेशन वन को भी साथियों 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप लोग टायर टू का एग्जाम देने आइएगा ना, थोड़ा ध्यान से समझा रहे, अच्छे समझिए। देखिए टायर वन तो आप लोग इजीली दे दिए, क्लियर कर लिए। टायर टू का जब आप लोग एग्जाम देने आइएगा तो टायर टू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सेशन वन और एक होता है सेशन टू। अब सेशन वन को भी साथियों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सेशन वन के पहले पार्ट को तो हम समझा दिए, उसके बाद दूसरे पार्ट को आप लोग का क्या रहेगा तो उसको समझिए। देखिए दूसरे पार्ट में आप लोग का इंग्लिश रहेगा और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन की संख्या टोटल जो है यहाँ पर 70 रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, और 210 यहाँ पर नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। क्वेश्चन की संख्या कितनी 70 और 210 आप लोग का नंबर का एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद सेशन थ्री जो टायर वन में ही टायर टू में सेशन वन का सेशन थ्री जो है उसको समझिए। उसमें आप लोग का कंप्यूटर का एग्जाम होगा, कंप्यूटर का एग्जाम 20 यहाँ पर आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर का एग्जाम होगा साथियों। ये हो गया आप लोग का टायर टू में सेशन वन कंप्लीट, टायर टू में सेशन वन जो है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आप लोग की टायर टू में सेशन टू को समझिए। तो टायर टू में सेशन टू में आप लोग का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि आप लोग का टाइपिंग का टेस्ट होगा साथियों, टाइपिंग का टेस्ट होगा इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप लोगों को भी यहाँ पर 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा साथियों, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। यही आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है साथियों, ठीक है। तो टोटल आप लोगों के साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस हम समझाने की कोशिश किए, सारा चीज आप लोग को बताए दिए, आप लोग का एज क्राइटेरिया क्या रहता है, पेमेंट कितने लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन बतला दिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टायर वन क्या आप लोग का क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम दिए जाएंगे, टायर टू में क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम दिए जाएंगे, सारी चीजें आप लोग को समझा दिए। और ये जो है ना जेएसओ के पोस्ट के लिए जो कि टायर टू में भी 2 पेपर बांटा गया है, पेपर वन और पेपर टू, तो जेएसओ के पोस्ट में एक और पेपर देना पड़ेगा जिसमें साथियों स्टैटिक से क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 1x2 यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा साथियों, टोटल 200 नंबर का आप लोग का एग्जाम इसमें मिलेगा और 2 घंटे 40 मिनट का आप लोग को जो है टाइम यहाँ पर दिया जाएगा साथियों, जेएसओ के लिए सिर्फ ये आप लोग का पोस्ट निकाला गया है। चलिए साथियों आशा करेंगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को प्रोवाइड करा दिए और आप लोग को प्रोवाइड कराया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।